कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला आज पंचतत्व में विलीन हो गए। 88 वर्ष के शमशेर सिंह सुरजेवाला लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 3 दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। आज सुबह उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली, जिसके बाद देर शाम नरवाना हल्के के गांव सुरजा खेड़ा में उनका पार्थिव शरीर लाया गया, जहां भीगी पलकों के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। शमशेर सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के पिता थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस मौके पर प्रदेश के राजनीतिक व सामाजिक लोगों ने भी रणदीप सुरजेवाला के गम में शरीक हुए और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गवास हुआ है, जो खाली स्थान हुआ है उसकी पूर्ति नामुमकिन है, क्योंकि उनका सारा जीवन समाज सेवा में गया। वो 5 बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, सिंचाई मंत्री भी रहे और अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे। खास तौर पे उनका कृषि में बहुत रुचि थी। भारत कृषक समाज हरियाणा के प्रधान रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष रहे। विपक्षी नेता भी रहे, विभिन्न पदों पर रहे और सदैव जो है जनहित के लिए उन्होंने संघर्ष किया। संघर्षशील थे, मिलनसार थे और बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हरियाणा के विकास में। आज वो नहीं रहे तो उनकी जगह जो खाली हुई है वो स्थान भरना नामुमकिन। उधर शमशेर सिंह के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जहां शोक व्यक्त किया, वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद एम्स पहुंचकर सुरजेवाला को ढांढस बंधाया। उधर दाह संस्कार में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिन्होंने नम आंखों के साथ शमशेर सिंह को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि शमशेर सिंह की कमी पार्टी को हमेशा खलेगी और उनकी भरपाई अब नामुमकिन है। की घड़ी है हमारे सबके लिए, व्यक्तिगत रूप से भी और राजनीतिक रूप से। पार्टी के हिसाब से मुझे याद है जब जब कांग्रेस पार्टी पर संकट आया, हम विपक्ष में रहे, इनका बहुत ही अहम रोल था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब 77 के बाद का समय भी था, तब मेरे पिताजी और सुरजेवाला जी, मैं खुद उनके साथ यहाँ पर इनके घर में उस समय भी आई थी। तब विपक्ष की राजनीति करते थे, सत्ता में इनका पूरे प्रदेश को बहुत बड़ा योगदान रहा। विकास की बात करें उसमें बहुत अहम भूमिका रही है हरियाणा के लिए। और फिर व्यक्तिगत बात करना चाहूँगी कि मैं जेल गई एक बार इन्हीं के नेतृत्व में, जब हम विपक्ष में थे, पद यात्राएँ की, जेल यात्राएँ की, इनका बहुत बहुत बड़ा अहम रोल रहा है पूरे हरियाणा के लिए, हरियाणा की राजनीति के लिए और खास तौर से कांग्रेस पार्टी। शमशेर सिंह सुरजेवाला का जन्म नरवाना के गांव सुरजा खेड़ा में 24 मार्च 1932 में हुआ था। वो 6 भाइयों में सबसे बड़े थे, जो 4 बार नरवाना विधानसभा से और 1 बार कैथल विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। हरियाणा बनने के बाद 1967 में हुए पहले चुनाव में शमशेर सुरजेवाला ने नरवाना हल्के से चुनाव लड़ा और जीतकर राव वीरेंद्र सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। उन्होंने ताउम्र किसानों व कमेरे वर्ग के लोगों के हितों में लड़ाई लड़ी और जब भी कांग्रेस का ग्राफ गिरा, उन्होंने लोगों के बीच में रहकर दोबारा से पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल उनके निधन के बाद कैथल सहित नरवाना में शोक की लहर है और सुरजेवाला के निवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी।